प्रियंका, चलो प्रियंका था पहले, बट व्हाट अब थी, आई एम ए मतलब ट्रांसवूमेन हूँ, पर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पर बिजनेस कैसे स्टार्ट किया शॉर्ट जानने बताते हैं। चलो आप में से चाय कितने प्रकार के पीते हो, लाल चाय, दूध वाली चाय, अदरक वाली चाय एंड एनीथिंग, कश्मीरी चाय आजकल तो ट्रेंड में चल रही है क्या, ग्रीन टी, यार पेट मोटा हो रहा है मेरा, हल्की चाय ले लेते। तो आपको सरप्राइजिंग बात लगेगी, मेरे पास 250 किस्म की चाय है, और ये चाय का बिजनेस मैंने स्टार्टअप किया किस लिए, क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रेक माई दिस जेंडर आइडेंटिटी, क्योंकि यूजली ये देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर जो होती है हमारी स्ट्रीट बेगिनिंग में जाती है तो टोली बधाई सिस्टम होती है, उनका फॉलो अप करती है, बट आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस जर्नी, जो उनका टोली बधाई सिस्टम है, मैं चाहती हूँ कि वो भी बिजनेस लाइन में आए एंड सपोर्टेड हो, तो इसीलिए मैंने स्विच किया, क्योंकि कुछ लोग मुझे तो यूँ ही बदनाम करते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं कि जो शब्द बदनाम वो तो नाम करने के बाद में बदनाम होते हैं। फिर ये जन्म हुआ राजस्थान के शहर में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर वहाँ से हम मेरी फैमिली मुझे आसाम ले गई, और आसाम से मतलब मेरा सब कुछ स्टडी कंप्लीट हुई एंड बिजनेस एनीथिंग ऑल दी डूइंग गुड्स, बट बोलते ना तुम लाख छुपाओ कोशिश मगर दुनिया को पता चल जाएगा, ऐसे मेरी आइडेंटिटी जो थी घर वालों को सोसाइटी वालों को पता चला कि दिस इज दिस पर्सन, सो दैट आई गेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम माई फैमिलीज एंड सोसाइटी, तो मुझे घर को लेफ्ट करना पड़ा, बट मेरी ड्रीम जो थी पक्का कि मुझे कुछ करना है फॉर माई सोसाइटी एंड माई कम्युनिटी, पर उधर से मुझे भाग कर आना पड़ा दिल्ली, दिल्ली के लिए मेरे लिए क्वेश्चन था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ, दिस इज़ अ बिग बैरियर फॉर मी, तो मैं मतलब कूड़े डस्टबिन से उठाती, सड़कों पर उठाती एंड फ्लाई ओवर पर अपना स्पेंड करती, तो उसी टाइम के दौरान मुझे मतलब मित्र ट्रस्ट एक है एनजीओ चलाता, तो वो उधर से मैं कनेक्ट हुई, तो उन्होंने बताया कि हम अपने जैसे लोगों को सपोर्ट करते एंड प्रोवाइड करते शेल्टर होम प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल दी फैसिलिटी, व्हाट डू यू वांट, तो मैं उधर में एक साल तक अपना स्पेंड करी ड्यूरेशन, क्योंकि उधर का एक साल का, पर उन्होंने मेरी लगन देखी मेहनत, तो उन्होंने प्लस और मुझे दिया, और उन्होंने मुझे फ्लाई का एक मोटो दिया, बिकॉज फ्लाई का मीनिंग देखा जाए तो फर्स्ट लव योरसेल्फ, सो दे टीच मी टू फ्लाई टू लव माई सेल्फ, बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही एक इंसान इकलौती हूँ कि इस दुनिया में और कोई है भी नहीं क्या, क्योंकि और अब उधर में तो मुझे फ्लाई हो गई मतलब, पर मुझे अब फ्लाई के साथ में विंग्स भी तो चाहिए थे उड़ने के लिए, और विंग्स क्या थी मेरी जो बिजनेस का सपना चाय का, तो वहाँ से मैं कनेक्टेड हो गई, फिर CDF एक है फाउंडेशन, उन्होंने मतलब मेरा बिजनेस का टीम रखी, मैंने अपना बिजनेस टीम, उनको इतनी अच्छी लगी, देन दे गेटिंग मी दी सम सीड कैपिटल फॉर मी एंड दे आई गेट आउट ऑफ 60,000 टॉप 12 इन दी रैंक एंड आई गोट फाइनली सिलेक्शन एंड स्टार्ट माई देयर बिजनेस। बिजनेस में बोला जाए तो उतार चढ़ाव बहुत हुए लाइफ में, क्योंकि एक तो ऊपर से मेरी आइडेंटिटी थी, तो चलो मित्र ट्रस्ट मुझे हेल्प करता था स्टॉल्स में लगाना शॉपिंग मॉल में, पर मित्र ट्रस्ट को जब मैं ड्रॉप कर दी तो मेरी चैलेंजेस यही हो रही थी कि मैं जनरल पीपल तक कैसे पहुँचाऊँ अपने प्रोडक्ट्स को, कैसे यूनिक बनाऊँ, तो इसके लिए मतलब बहुत टफ से मतलब हार्डेस्ट टाइप, क्योंकि वो लोग आदमी बोलते हैं यार आप लोग किन्नर होकर बिजनेस कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आप लोग गुरु चेला सिस्टम नहीं मानते हैं क्या, हमें बधाई दे दो लाइक दिस ब्लेसिंग दे दो, मैं बोले कि सर हम लोग बधाई सिस्टम तो नहीं करते पर बट वी वांट टू ब्रेक जर्नी यार, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करो तो किसको करें, पर सपोर्ट तो इतना नहीं होता, फिर मैंने मतलब किसी के साथ पूछी, तब उन्होंने बताया कि मैम आप एक काम करिए कॉलेज के स्टूडेंट को पकड़िए ताकि वो लोग आपको हेल्प करेंगे, देन आई टॉक विद आप कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि आपको बताऊँ तो शब्दों में बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैम आप एक काम कीजिए, इफ़ आप जाते हो देखो कॉलिंग पे अगर हैंडल करते हो देन ऑफकोर्स आपको कॉल पर यही बताएंगे कि सर
के नाम से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जैसे कि अभी एयरपोर्ट से जस्ट मैं लैंड आउट करी थी तो टैक्सी ड्राइवर से बात कर, तो उन्होंने सर सर कहकर जब मैं उनके फॉन्ट में तब उनको रियलाइज हुआ ओह माय गॉड दैट इज सी। तब इसीलिए बता रहे कि बहुत मतलब इसमें से तब उन्होंने मतलब मेरी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पेज पर हैंडलिंग ऑल दिस। तब धीरे धीरे अब टायर अप हुई और अब मैं मतलब अपना जर्नी को पूरे सक्सेसफुली कर रखी हूँ। और टी के अलावा जो मेरे वेस्टेज बच जाते हैं तो इसको मैं रिसाइकल करती हूँ अपने जैसे सेंटर को ऑयल में बनाते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा तो और मैं आपको लोगों जो आज की जो अपनी यंग जनरेशन है देखा जाए तो इनको मैसेज यही देना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा बिकॉज देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस गेटिंग एंड अबाउट बताए तो अगर आप इफ़ यू बिलोंग टू फ्रॉम दी कम्युनिटी एलजीबीटी कम्युनिटी दिस नो आप शर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑल दी प्लेटफॉर्म जो स्कूल्स एजुकेशन लेवल्स है ऑल आर सैनिटाइज क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपना मतलब कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारा काम किया है। थैंक यू सो मच।